यार भाग तो ये भी सही रही भाई जी, तो देख सकते हैं आप 85, 86, 88, 89, 90। तो आज मैं लेके चलूंगा अपनी फ्लावर गाड़ी लेके। तो ये है पुष्पा और ये है इसकी फ्लावर। तो चले निकलते हैं घर से, और काफ़ी समय बाद आज फिर से इसको चलाने का मौका मिल रहा है हमें। तो चलिए दोस्तों। तो यार गर्मी भी एक तो हद से ज़्यादा हो रही है, हद से ज़्यादा बोले तो मतलब हद से ज़्यादा। तो दगड़ियों स्वागत आप सभी को मेरी यूट्यूब चैनल पर। तो यार अभी सुबह के बज रहे हैं 10:30, और आज हमने पुष्पा को दिया है रेस्ट, और पुष्पा की फ्लावर को लेके चलेंगे आज हम ऋषिकेश की ओर, क्योंकि तेल काफ़ी महंगा हो गया तो पुष्पा को हम इधर उधर ले जा भी नहीं सकते। और अब तो ना नौकरी है ना चाकरी है, ना नौकरी ना छोकरी। तो चलेंगे आज हम पुष्पा के फ्लावर को लेके, क्योंकि आपको पता ही है हल्की गाड़ी एवरेज काफ़ी सही देती है। तो इसका एवरेज होगा कम से कम 45 to 50 किलोमीटर पर लीटर। तो चलिए देखते हैं, अभी इसमें तेल भी काफ़ी कम है, आप देख सकते हैं सुई एम्प्टी पर है, रेड टच हो चुकी है। तो जल्दी से जल्दी इसको पहले पेट्रोल पंप पहुंचाते हैं, उसके बाद प्लान आपको बताते हैं आज हम कहां कहां जाएंगे और ये गाड़ी कहां जाएगी और हमने कितने में ख़रीदी ये गाड़ी। तो आप अपने अंदाजे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये गाड़ी कितने में ख़रीदी होगी। और गाड़ी का मॉडल बता देता हूँ मैं, 2014 नवंबर का ये मॉडल है, और गाड़ी चली है आप देख सकते हैं 16,193 किलोमीटर। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए दोस्तों कि मैंने ये गाड़ी कितने में ख़रीदी होगी, कितने में ली होगी। तो तब तक मैं पहुँचता हूँ पेट्रोल पम्प, फिर मिलता हूँ मैं आपको पेट्रोल पम्प में तेल भराने के बाद। भागने के मामले में तो ये भी कम नहीं है। तो अभी चल रही है ये 65-68 की रफ्तार से। तो भाई यार गर्मी इतनी हो रही है ना कि मैंने गलती कर ली, मैंने फुल स्लीव्स शर्ट भी नहीं पहनी है। तो यार दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि ये गाड़ी जो मैंने ख़रीदी है ना, ये मेरे श्रीनगर के सीनियर सर थे, तो एक्चुअली उनका ट्रांसफ़र हो गया है भोपाल, तो वो भोपाल चले गए। तो गाड़ी गुड कंडीशन में थी, क्योंकि हमारे सामने सर ही हमारे साथ ही रहते थे श्रीनगर में, तो हमको पता है गाड़ी की कंडीशन कैसी है। तो फिर इसलिए मैंने सोचा किसी और को देने से बढ़िया है कि अपने किसी बंदे के पास गाड़ी आ जाए तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि कंडीशन भी अच्छी है, एवरेज भी अच्छा है, गाड़ी के मेंटेनेंस भी सही है, बाकी इसमें कुछ काम भी नहीं हुआ है, ना इंजन खुला है। बाकी सेकंड हैंड गाड़ियाँ तो आपको काफ़ी मिल जाएगी, बट उनकी कंडीशन का कुछ पता रहता नहीं है, क्योंकि बाहर से चमका के तो हर कोई दे देगा आपको, बट इंजन की बात होनी चाहिए इन पर। इसके इंजन में जो बात है ना, वो BS6 के इंजनों पर बात नहीं है। पहली बात तो ये आना बंद हो चुकी है अब इग्नाइटर, बट पुराने इंजन तो पुराने इंजन होते हैं। और भाई जोगी वाला पहुंच गया हूँ मैं, और जोगी वाला में इतना जाम रहता है, थैंक गॉड कि अभी ये जाम नहीं है, क्योंकि इस गर्मी में तो भाई साहब टू व्हीलर में तो ख़तरनाक ही गर्मी हो रही है। अब भी ऐसा जब जाम लगता है ना, तो तब ऐसा मन करता है कि यार काश हम पे फोर व्हीलर होता AC में घूमते, बट कभी कभी लगता है जब ख़तरनाक ही जाम रहता है फोर व्हीलर में, और टू व्हीलर वाले कट कट मार के निकल जाते हैं साइड ही साइड से, तब ये होता है कि काश हम पे टू व्हीलर में होते तो अभी हम निकल जाते। तो मूड का कोई भरोसा नहीं, कब क्या मूड कर ले, ऐसे चेंज होते रहते हैं। तो यार मोखमपुर के आगे यहाँ पे है रिलायंस का एक पेट्रोल पम्प, तो काफ़ी अच्छा तेल देता है वो, तो वहाँ पे भराते हैं हम तेल, उसके बाद निकलते हैं जॉली ग्रांड की ओर। क्योंकि यार ये बाइक मैंने दिलाई है अपने भाई को, मतलब मेरी भी बाइक, भाई मेरा तो बाइक भी मेरी, तो ये बाइक पहुँचानी है मेरे को गोपेश्वर, बट गोपेश्वर तो मैं जा नहीं पाऊँगा। तो अभी हमारे सुरेश भाई हैं, काफ़ी घनिष्ठ मित्र हैं हमारे, तो भाई जी से भी मिलेंगे अभी, और भाई जी करते हैं बैंक में जॉब। तो अभी तो यार ये तो प्रैंक हो गया हमारे साथ, ये है रिलायंस का पेट्रोल पंप, बट यहाँ रास्ता बंद करा है, तो मतलब यहाँ तेल नहीं मिल रहा है। तो यार इसमें तो तेल भी कम है, तो चलो जल्दी से पहुँचाते हैं इसमें तेल, कहीं ऐसा ना हो गर्मी के कारण हम इस बाइक में धक्का मारते मारते।
चुन्नू वाला चौक तक या मियाँ वाला चौक तक ले जानी पड़े। तो भाई जल्दी से जल्दी पहुंचते हैं यार, भाग तो ये भी सही रही भाई जी। तो देख सकते हैं आप 85, 86, 88, 89, 90, 94, 98, 98, 100 पहुंचेगी दोस्तों। ओहो भाई साहब 103 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रही है गाड़ी। ए माँ जी, यार पेट्रोल पंप था यहाँ पे? ओ अच्छा, पेट्रोल पंप है तो पेट्रोल पंप में तेल भराते हैं है। तो यार सही भाग रही है गाड़ी, 103 किलोमीटर 103 की स्पीड में भाग रही है गाड़ी। इतनी तो मेरी पुष्पा फर्स्ट सर्विस से पहले भाग रही थी। तो चलिए पहले तेल भरा लेते हैं। यार हेलमेट के अंदर पूरा पसीना पसीना हो गया, गर्मी इतनी खतरनाक हो रही है। 37 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है टेम्परेचर आज देहरादून का। अभी दिन का दिन भी क्या, अभी अभी 11 भी बजने वाली है, 11 भी नहीं बजी है। तो यार अप्रैल के महीने में ये हाल है, मई बचा है अभी, जून बचा है अभी, तब तो क्या हाल होंगे। तब तो हम अपनी वादियों की तरफ लेके चल लेंगे आप सभी को अपने गोपेश्वर की नगरी में, और फिर देखेंगे कहाँ का ट्रिप बनता है। रुद्रनाथ, मधमेश्वर, कल्पेश्वर, देखते हैं कहाँ का ट्रिप बनता है केदारनाथ का। बट अभी पहले इस बाइक को पहुँचा लेते हैं हम भाने वाला सुरेश भाई के पास, क्योंकि सुरेश भाई ने अभी निकलना है श्रीनगर की ओर। 3 बजे निकलेंगे वो, क्योंकि लंच तक वो भी अपनी जॉब में रहेंगे बैंक में। और बैंक वालों के मज़े हैं यार, सुरेश भाई अगर मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे तो सुरेश भाई बाद में मेरे को बोलेंगे कि कोई मज़े नहीं है भाई। तो यार दोस्तों ये है देहरादून का टोल टैक्स, और अभी तो हम पे बाइक है तो हम तो फ्री में निकलेंगे। तो जब भी मेरे पे कार रहती है ना तो मैं इस रास्ते नहीं आता हूँ, क्योंकि इस रास्ते टोल पड़ता है आपका 180 रुपये, और इतने में पड़ जाएगा हमारे गाड़ी में तेल। तो हम चल लेते थे दुधली वाले रास्ते अपने घर की ओर। तो चलिए हम पहुँच गए अब भाना वाला चौराहे पे। सुरेश भाई देहरादून, कक्ष है तुम आगे से लेफ्ट जहाँ पे यूटिलिटी खड़ी हो रखी। अच्छा 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 अच्छा, तो सुरेश भाई मिल चुके हैं, वही लगा दूं। अरे गाड़ी दमदार भाग रही है भाई जी, क्या हाल चाल? बढ़िया। ये हमारे सुरेश भाई है जो कि बैंक में जॉब करते हैं, और ये हमारे दोस्त हैं। तो इसको मैंने बुलाया था लेने के लिए, जो मैं आपको बता रहा था कि एक क्लासमेट भी है। तो चलो चलो भाई जी, फिर मिलते हैं, बाय बाय, हैप्पी जर्नी, हैप्पी जर्नी। तो यार चलते हैं अभी, हम कहाँ लेके जाएगा भाई लंच पे? हाँ तो दोस्तों हम निकल चुके हैं फिर भाने वाला से घर की ओर, और अभी हम जाएंगे दुधली वाले रास्ते, और घर छोड़ने आएगा हमारा दोस्त स्कूल मेट, जिसको कि मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि मेरे को मिलने वो आएगा। तो वो मिल चुका है मेरे को, तो अभी मेरे को छोड़ने आएगा घर तक। और गर्मी भी काफ़ी है, दिन के 12 बज चुके हैं। तो ये क्या हो गया हमारे साथ है? देखिए हेलमेट मैंने पहने हैं जो गाड़ी चला रहे हो बिन हेलमेट के, क्योंकि भाई की चलती, जिसकी चलती है उसकी क्या गलती। तो यार हम पहुंच चुके हैं दुधली वाली रोड पे। अगर आप यहाँ से नीचे की तरफ जाओ तो ये डोईवारा जाता है, और ये जाता है दुधली बंगाली कोठी और मथुरा वाला की तरफ। यार सबसे अच्छा व्यू मेरे को दुधली रोड में इस स्पॉट का लगता है, काफ़ी सुंदर सा नज़ारा आप देख सकते हैं, हरे भरे पेड़ ऊपर और बीच में रोड जाती हुई। तो चले दोस्तों हम निकलते हैं घर की ओर, और दीपक को अभी फिर जाना है अपने घर जॉली ग्रांड। तो भाई मेरे को छोड़ने आ रखा है जॉली ग्रांड से बंगाली कोठी छोड़ने, तो भाई भाई को दिल से धन्यवाद। तो चलो
आज का बोरिंग डे यही था। दीक्षित भाई की बाइक पहुंचा दी मैंने सुरेश भाई के पास, सुरेश भाई पहुंचाएंगे उसको श्रीनगर और श्रीनगर आएंगे फिर से दीक्षित भाई। तो यार आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वो बाइक मेरे को कितने की पड़ी होगी लगभग, बट मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ 15,000, 17,000, 20,000 या 25,000, ये चार ऑप्शन आप सभी के बीच रखा हूँ मैंने। तो आप ऑप्शन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कितने की पड़ी होगी मेरे को ये बाइक, 2014 मॉडल बाइक का है। और इधर देखिए भाई साहब वादियाँ, गेहूँ की कटाई स्टार्ट हो चुकी है तो सब लोग गेहूँ काटने में लगे हुए हैं। और व्यू देखिए, नज़ारा देखिए। तो चलिए दोस्तों ब्लॉग के एंड यहीं करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आप सभी के बीच जल्दी एक नई वीडियो लेकर आऊँगा, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।